अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है मेरी जान, तो अब हम गुजर खान जा रहे हैं और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गुजर खान है भाई जान, गुजर खान। आवे जानी रल के जुला दो में गुजर खान रे, आवे जानी रल के जुला दो में गुजर खान रे। सेठे बाज की जिया असा तू है साडी जान रे, आवे जानी रल के जुला दो में गुजर खान रे। के फजलो करम से अब हम गुजर खान पहुंच चुके हैं और अब हमने यहाँ से अपने एक दोस्त यहाँ पर हमारे रहते हैं जो जहाँ के रहती है, तो अब हमारा यहाँ पर हम थोड़ी देर इसलिए रुके हैं कि थोड़ा पानी सारी पी लें। तो कोशिश है कि हम उसकी तरफ चलें, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। हम अपने गुजरखानी दोस्त हमाद इरफान के यहाँ आ चुके हैं, तो आइए आप इनसे आप उनका कोई तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद इरफान है। आज मैं अपने दोस्तों को गुजर खान में वेलकम करता हूँ और आज हम इनके साथ ज़रा गुजर खान के खाने खाएंगे और सबसे पहले हम चलेंगे अल्लाह वालों के पास और उनके दही भले ट्राई करते हैं। तो चलिए चलते हैं अल्लाह वालों के पास और उनके दही भले खाके चेक करते हैं कि वो कैसे हैं, और फिर हम आपको इसके बाद बताते हैं कि उनके दही भले कैसे हैं। तो हमारी दही भले की प्लेट रेडी है, तो चलिए आप इसको टेस्ट करते हैं। जी तो दही भले हमने टेस्ट किए हैं, इनके दही भले वाकई में ही लाजवाब हैं। लाजवाब है भाइयों, क्या लेवल है दही। तो अब हम आए हैं नई पकोड़े वालों के पास। जी तो हम अब नई पकोड़े वाले के पास पहुंच चुके हैं, तो अब हम अंदर जाएंगे और नई पकोड़े वाले के पकोड़े ट्राई करेंगे।
जी हाँ, तो पकोड़े हमने इनके खाए हैं, तो इनके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार हैं। खासतौर पर ये जो मिक्स पकोड़े हैं ये तो बहुत ही मज़ेदार हैं भाइयों। तो अगर आप गुजर खान आएँ तो अल्लाह वालों के दही भले और नईम पकोड़ों वाले के पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। शुक्रिया। तो